हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलवेज। सो आज का टॉपिक है कि आपकी एज जब 50 प्लस हो जाती है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मोस्टली आज क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में। ये बहुत सारे मिथ्स हैं कि जब हमारी एज 50 साल या 60 साल की हो जाती है तो उसके बाद हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप मेरी मानिए तो अगर कोई भी आपकी फैमिली में आप के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप जल्दी ले लें तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर आप जल्दी ले लेते हैं तो आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जितना लेट आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, जितनी ज़्यादा एज पर लेंगे, उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक टर्म इंश्योरेंस को लेने से पहले, ठीक है। सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है दैट इज़ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ठीक है। IRDA हर साल क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का आपको बताती है। आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए। अगर किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज़्यादा है तो दैट इज़ अ जेन्युइन कंपनी। इसका मतलब ये है कि वो जितना लोगों को जब ज़रूरत पड़ रही है उनको अपना क्लेम लेने के लिए, तो अपने वो 95% क्लेम्स को सेटल कर रही है। जितना पैसे को उसने प्रॉमिस किया था उतना पैसा वो लोगों को इंश्योरेंस का दे रही है, ठीक है। हमारे मार्केट में इस वक्त लगभग 24 से 25 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और उसमें से जो 5-7 कंपनीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिसका मैं एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, कोटक महिंद्रा, HDFC, SBI लाइफ, ICICI, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनका टर्म इंश्योरेंस आपको लेने से पहले मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ राइडर आप ज़रूर देखिए। अगर आपको आप कहीं पे 15,000 की अमाउंट आप अपने प्रीमियम दे रहे हैं साल का, और अगर उसमें आपको राइडर नहीं मिल रहे हैं या आपको ज़्यादा राइडर नहीं मिल रहे हैं, तो गो फॉर दैट ऑप्शन जहाँ पे आपको राइडर ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, आपकी क्रिटिकल इलनेस को वो चीज़ें कवर कर रही हैं, तो आप उस टर्म इंश्योरेंस के लिए जाइए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको मोटा मोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि ICICI और HDFC में अगर आप दोनों में ही 1-1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं तो ICICI क्या करता है, आपको मान ली कि आपको आपने क्रिटिकल इलनेस का राइडर वहां पर ले रखा है और आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको जो क्रिटिकल इलनेस है वो आपकी ही 1 करोड़ की अमाउंट में से 25 लाख आपको दे देगा। तो आपका अभी टर्म इंश्योरेंस कितना बच गया, वो 75 लाख आपका बच गया जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HDFC का आप देखें तो वहां पर क्या है कि 1 करोड़ प्लस 25 फॉर क्रिटिकल इलनेस। तो इस केस में HDFC is much better than ICICI, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटी मोटी इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये चीज़ें कंपेयर करनी है। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से पढ़िए। जिनको इंश्योरेंस बेचना है वो आपको कभी भी उस चीज़ की कमियाँ नहीं बताएंगे, वो सिर्फ अपने गुड पॉइंट्स आपको बताएंगे, बट जो पैसा है वो आपकी पॉकेट से जाना है। तो आपको कंपेयर करना है कि आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है। एक सेम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आपको 15,000 में मिल रहा है तो आप 20,000 क्यों देंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकेंड कि आप किस कंपनी से अपना टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या वो एक जेन्युइन कंपनी है, क्या वो काफ़ी सालों से मार्केट में चल रही है। और टर्म इंश्योरेंस एक लंबा इंश्योरेंस होता है, आप 20-30 साल के लिए लेते हैं, तो क्या 20-30 साल के बाद उस कंपनी का कोई फ्यूचर है, वो कंपनी मार्केट में स्टैंड कर पाएगी, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन कैसे हैं उसके, इंटरनेशनल मार्केट कैसा है उस कंपनी का, ये भी देख लिए। ऐसे नहीं कि आप प्रीमियम कम करने के चक्कर में किसी भी कंपनी से आप ले लें और जब 15-16-20 साल बाद आपको उस पैसे की जरूरत पड़े तो भाई कंपनी तो मार्केट में है ही नहीं, तो आप पैसा किससे लेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए, थोड़ी से पैसे बचाने के चक्कर में किसी ऐसी वैसी कंपनी के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। एंड सेकंड क्या है जो मुझे आपको बताना है, दैट इज़ कि आपको कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कवर बढ़ाने का ऑप्शन भी देती हैं। जैसे आपने मतलब 10 साल या 15 साल तक का प्रीमियम आपने भर दिया तो आप अपनी 1 करोड़ की अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर कि आपके पास आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास इतना पैसा है कि आप ज़्यादा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसे ऑप्शन भी देती हैं, बट वंस और ट्वाइस अपनी पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। सो ये था एक ओवरव्यू कि आपको 50 के साल
साल के बाद टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किन चीज़ों का आपको जो है मेनली ख्याल रखना चाहिए। और मैंने अपने इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में 3-4 वीडियोज़ अपने चैनल पर बना रखी हैं, और आई गेस उनमें मैं आपको सब कुछ समझा पाई हूँ जो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो सो यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर चीज़ जेन्युइनली बता पाऊँ, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।